Students, now I'm going to explain chapter number 9 for the students of 9th and 10th class in your short story book. And the name of the chapter is My Greatest Olympic Prize, written by Jesse Owens. Jesse Owens जो है वो एक अमेरिकन एथलीट है और इस स्टोरी के राइटर भी हैं और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी मीन्स उन्होंने अपनी खुद के एक्सपीरियंस को इसमें शेयर किया है कि किस तरीके से उन्होंने ओलंपिक प्राइज जीता था और किस तरीके से जर्मन एथलीट लुज लॉन्ग ने उनकी हेल्प करते हुए ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप को दिखाया था, जो कि उनके कॉम्पिटिटर थे, फिर भी उन्होंने उनकी जेसी ओवेंस की हेल्प की थी, जिसकी वजह से वो 1936 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत सके थे. नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर. It was summer of 1936 and the Olympic were being held in Germany. मतलब जर्मनी में 1936 में ओलंपिक गेम्स हेल्ड हुए थे. Adolf Hitler viewed it as a golden opportunity to showcase his country and prove to the rest of the world that his Aryan race was superior. Adolf Hitler कौन था? He was the dictator of Germany. मतलब वो जर्मनी का डिक्टेटर था and he wanted to show others. क्या और वो क्या दिखाना चाहता था कि उसकी आर्यन रेस एक कम्युनिटी है जो जिससे कि सुपीरियर कोई नहीं है. 22 इयर्स ओल्ड अमेरिकन एथलीट जेसी ओवेंस डिड नॉट केयर मच फॉर हिटलर्स थ्योरी बट 22 इयर्स ओल्ड अमेरिकन एथलीट जेसी ओवेंस डिड नॉट बिलीव इन हिज थ्योरी. ही ट्रेन्ड हिमसेल्फ एंड प्रैक्टिस हार्ड फॉर 6 इयर्स टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स and break Hitler's myth of Aryan superiority. इसलिए जेसी ओवेंस ने डिसाइड किया कि वो हिटलर के इस मिथ को तोड़ेगा कि आर्यन रेस ही सुपीरियर है और वो अपने आप को बेस्ट प्रूव करेगा. A year earlier in 1935 at Ohio State University, जेसी ओवेंस ने बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड भी बनाया था. He set the world record of 26 feet 8-1/4 inches. लॉन्ग जंप के इवेंट में इन द ट्रायल राउंड्स ऑफ ओलंपिक्स इन फर्स्ट टू अटेम्प्ट जेसी ओवेंस फाउल्ड यानी कि उनसे फाउल हो गया. टॉप जर्मन एथलीट लुज लॉन्ग हु हैड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स केम अप टू हिम एंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ. नाजी मूवमेंट जहां पर चलाया गया था जिस स्कूल में, उस स्कूल में उन्होंने स्टडी भी की थी लेकिन वो आर्यन सुपीरियरिटी या सुप्रीमेसी आर्यन रेस के सुपीरियर होने में बिलीव नहीं करते थे वो. ही एडवाइज्ड ओवेंस टू प्ले इट सेफ एंड जंप अ फ्यू इंचेस बिफोर द यूजुअल टेक ऑफ स्पॉट और उन्होंने उन्हें एडवाइस दी कि इफ ही गोज अ फ्यू इंचेस बैक एंड देन जंप फ्रॉम देयर ही विल सर्टेनली क्वालिफाई कि वो अगर कुछ इंचेस बैक में जाके जंप करे तो वो डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकता है. जेसी ओवेंस followed his advice and qualified for the finals. That night, Jesse Owens walked over to Luzlong's room in Olympic Village to thank him. And they discussed various topics with each other. Means, उस night में Luzlong और Jesse Owens ने काफी देर तक आपस में discussion किया before qualifying for the finals. यानी कि जब जिस दिन Jesse Owens ने final के लिए qualify किया था, उस night एटलीस्ट 2 hours तक जेसी ओवेंस और लुज लॉन्ग ने अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए. व्हेन दे फाइनली गॉट अप टू लीव बोथ ऑफ देम न्यू दैट अ रियल फ्रेंडशिप हैड बीन फॉर्म्ड और जब वो एक दूसरे के पास से जाने लगे दे रियलाइज दैट कि रियल फ्रेंडशिप जो है इन दोनों में हो चुकी है. हालांकि अब नेक्स्ट डे इन दोनों को फाइनल में कॉम्पीट करना था लेकिन फाइनल से कुछ मोमेंट्स पहले अब वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे. In the finals, Luz broke his own past record. मतलब लुज लॉन्ग ने अपने खुद के past record को तोड़ दिया था. In doing so, he pushed Jesse onto a peak performance. और ऐसा लग रहा था कि वो जेसी ओवेंस को काफ़ी पीछे छोड़ देंगे. Jesse won the gold medal and Olympic record of 26 feet 5-5/16 inches. लेकिन जब जेसी ओवेंस का जंप करने का टाइम आया he made a world record. And finally won the gold medal in Olympics.
Luz Long was the first person who congratulated Jesse. In these lines, true sportsmanship has been described. कि जिस तरीके से वो उन्हें congratulate wish करते हैं. At that moment, Jesse felt that if he could melt down all the gold medals and cups he had, they could not be a plating friendship on the 24-carat friendship. Now, Jesse Owens is comparing his friendship with 24-carat gold. And he's calling his friendship as pure as 24-carat gold. Means वो अपनी friendship को 24-carat gold जैसी pure मानते हैं. और वो क्या कहते हैं कि अगर उनके पास जितने भी gold medals हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको भी melt कर दिया जाए तो उनमें इतनी purity नहीं होगी जितनी कि इस वक्त उनकी friendship में है. यानी किन दोनों की friendship में? Luz Long और Jesse Owens की. There is a message given by Pierre de Coubertin, who was the founder of Olympic Games. Olympic Games के founder का यहाँ पे message दे रखा है. The important thing in Olympic Games is not winning, but taking part. कि Olympic Games में वो जीतना ज़्यादा better नहीं करता, बल्कि उसमें honesty के साथ participate करना ज़्यादा valuable है. यही काम यहाँ पर Luz Long ने किया था. और इसी चीज़ को यहाँ पर Jesse Owens ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में डिस्क्राइब किया है. द essential थिंग इन लाइफ इज़ नॉट conquering बट फाइटिंग वेल. अनदर lines ही इज सेइंग कि उसी तरीके से लाइफ में जो है हर गेम को जीतना नहीं बल्कि पूरे मन से एफर्ट्स लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि इस गेम में देखा गया. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट Jesse Owens कॉल्स इट हिज द बेस्ट ओलंपिक प्राइज़.